Idea students, I welcome you all once again in our new lecture from hydrocarbons. And in today's lecture, we are going to discuss one of the important concept from hydrocarbons. And आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे conformations of ethane C2H6. This lecture is going to be very much important for your board exams or for your entrance exams. इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं ईथेन मॉलिक्यूल की कन्फॉर्मेशंस, लेकिन कन्फॉर्मेशंस ऑफ ईथेन C2H6 डिस्कस करने से पहले आपको मैं कुछ चीजें यहां पे समझा देता हूं, बाद में हम अपने मेन लेक्चर पे आ जाएंगे। देख लीजिए, मेरे पास एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन एक सेंट्रल एटम है। कार्बन के साथ मैं यहां से एक्स अटैच कर दूंगा, यहां से एक एलिमेंट एटम जेड अटैच कर दूंगा, यहां से दूसरा एटम वाई अटैच कर दूंगा और यहां से एक और एटम हाइड्रोजन, चलो मैंने अटैच कर दिया। इस कार्बन के साथ मैंने चार डिफरेंट एटम्स अटैच कर दिए, समझ आ रही है। अब मैं इसी मॉलिक्यूल को, इसमें एक कार्बन है, एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड है और एक एच है हाइड्रोजन। और इसी कंपाउंड को मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूं। कार्बन मैंने बीच में लिया है, कार्बन इन द सेंटर, यहां पे भी कार्बन सेंटर में लिया। अब मैं इस वाई को, ये जो एक्स है, एक्स ऊपर की तरफ, इस एक्स को मैं नीचे की तरफ लिख लेता हूं और इस एच, ये जो नीचे की तरफ हाइड्रोजन है, इसको मैं ऊपर की तरफ लिखूंगा, हाइड्रोजन को ऊपर की तरफ लिखूंगा। वाई को मैं इस साइड लिखूंगा वाई को, और इस जेड को मैं इस साइड लिखूंगा जेड को। अब देख लीजिए, ये जो दो मॉलिक्यूल्स मैंने लिए, दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, एक कार्बन एक कार्बन, एक एक्स यहां पे भी एक्स, एक हाइड्रोजन एक, यहां पे भी हाइड्रोजन एक, यहां पे वाई एक, यहां पे भी वाई एक, और यहां पे जेड एक, यहां पे जेड एक। तो दीज टू कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर्स, इनका स्ट्रक्चर भी सेम है। यहां पे भी कार्बन ट्राइवेलेंट है, टेट्रावेलेंट है, यहां पे भी टेट्रावेलेंट है। दोनों का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम है, लेकिन यहां पे डिफरेंस किस में है? डिफरेंस लाइज इन द पोजीशन ऑफ एटम्स। यहां पे एक्स एटम ऊपर की तरफ है और यहां पे एक्स एटम नीचे की तरफ है। हाइड्रोजन यहां पे नीचे की तरफ है और यहां पे हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है। दे आर डिफरिंग इन द अरेंजमेंट और कॉन्फिगरेशन ऑफ एटम्स अराउंड द कार्बन एटम। इन दोनों मॉलिक्यूल्स की जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है, लेकिन डिफरेंस किस में है? डिफरेंस लाइज इन द पोजीशन ऑफ एटम्स अराउंड द कार्बन एटम इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। यहां पे एक्स ऊपर लिखा, यहां पे नीचे लिखा, तो कॉन्फिगरेशन में डिफरेंस आ गई। यहां पे मैंने जेड लेफ्ट साइड में लिखा है और यहां पे मैंने जेड राइट साइड में लिखा है, तो वंस अगेन कॉन्फिगरेशन में डिफरेंस है। तो कहने का मतलब यह है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, जिनका स्ट्रक्चर सेम हो, लेकिन एटम्स का अरेंजमेंट, एटम्स का कॉन्फिगरेशन अराउंड द कार्बन एटम डिफरेंट हो, ऐसे कंपाउंड्स को नाम देते हैं स्पेस आइसोमर्स। दीज आर कॉल्ड एज स्पेस आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स, या इन कंपाउंड्स को हम नाम देंगे स्पेस आइसोमर्स। अब सर, स्पेस आइसोमर्स क्यों कहा? क्योंकि इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, लेकिन इनका जो अरेंजमेंट है, एटम्स का अरेंजमेंट अराउंड द थ्री डायमेंशनल स्पेस ऑफ द कार्बन, वो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स कार्बन के थ्री डायमेंशनल स्पेस में, अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स डिफरेंट होता है, उसी की वजह से इन दो कंपाउंड्स का नाम पड़ जाता है स्पेस आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स। एंड दिस फिनोमिनन ऑफ रिप्रेजेंटिंग टू मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर, एंड रिप्रेजेंटिंग देम इन द फॉर्म ऑफ स्पेस आइसोमर्स, दिस एंटायर फिनोमिनन इज कॉल्ड एज स्पेस आइसोमेरिज्म, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है, या स्पेस आइसोमेरिज्म जो है,
उसमें हमने देखा जो आइसोमर्स होते हैं, विचार कॉल्ड एज स्पेस आइसोमर्स या स्टीरियो आइसोमर्स, उन आइसोमर्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम होता है, उनका स्ट्रक्चर भी सेम होता है, लेकिन कार्बन एटम जो है इसके सराउंडिंग्स में अराउंड थ्री डायमेंशनल स्पेस जो एटम्स का अरेंजमेंट है, एटम्स का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफरेंट है। ऐसे आइसोमर्स को हम स्टीरियो आइसोमर्स कहेंगे और इस आइसोमेरिज्म को हम नाम दे देंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म और स्पेस आइसोमेरिज्म। तो आपको समझ आ गया होगा व्हाट स्पेस आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म एक्चुअली इज। सो इन केस ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म और स्पेस आइसोमेरिज्म द मॉलिक्यूल्स आर डिफरिंग in the position of atoms in three dimensional space around the carbon atom. तो ये मैं रब कर देता हूं, अब देख लीजिए आप, मैं इसको रब कर देता हूं। इसको रब करने के बाद एक चीज मैं आपको समझाता हूं, ये जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एग्जिस्ट होता है, इसका एक स्पेशल टाइप है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक स्पेशल टाइप है, दैट इज कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। सो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक स्पेशल टाइप है कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। वही कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म हम आज डिस्कस करेंगे इन केस ऑफ इथेन, और वही हमारा आज का लेक्चर होगा। सो व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस कन्फॉर्मेशंस ऑफ इथेन, एक्चुअली वी आर गोइंग टू डिस्कस कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन केस ऑफ इथेन। अब मैं आपको समझाता हूं, ये कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म जो कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक स्पेशल टाइप है, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ इथेन। सी नाउ आई एम गोइंग टू टेक दिस मॉलिक्यूल इथेन। अब इथेन का जो फॉर्मूला है C2H6, कार्बन इसमें कितने हैं, दो कार्बन है, तो ये मैंने यहां पे एक कार्बन एटम ले लिया, लेकिन कार्बन दो है तो यहां पे एक और कार्बन एटम हम लेंगे। मैंने दो कार्बन एटम्स ले लिए, इनके बीच में हम सिंगल बॉन्ड रखेंगे, सिंगल बॉन्ड, द टू कार्बन एटम्स दे आर लिंक्ड बाय ए सिंगल बॉन्ड, देख लीजिए। अब हाइड्रोजन कितने हैं, यहां पे छह हाइड्रोजन है, तो इसका इस वाले कार्बन पे, ये जो कार्बन है, लेट दिस बी योर कार्बन नंबर फर्स्ट एंड दिस वन बी योर कार्बन नंबर सेकंड। कार्बन नंबर फर्स्ट जो है इसके साथ में तीन हाइड्रोजन रखूंगा और इस वाले कार्बन के साथ में तीन हाइड्रोजन रखूंगा, तभी आपके छह हाइड्रोजन आ जाएंगे। और इसमें एक हाइड्रोजन में ऊपर लिखूंगा, इसमें एक हाइड्रोजन नीचे की तरफ लेफ्ट साइड में, और इसमें हाइड्रोजन नीचे की तरफ लेफ्ट साइड में। अब आपने देखा इस कार्बन में तीन हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन एटम्स है, वन इज अपवर्ड्स और टू आर फेसिंग डाउनवर्ड्स। अब जो ये वाला कार्बन है, कार्बन नंबर सेकंड, इसके साथ भी मैं दो हाइड्रोजन रखूंगा, एक ऊपर की तरफ जैसे इसके पास है और दो नीचे की तरफ जैसे इस वाले कार्बन के पास है। अब देख लो, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, इस कार्बन के साथ भी तीन हाइड्रोजन है और इस कार्बन के साथ भी तीन हाइड्रोजन है। अब देख लो एक चीज, ये जो आपका कार्बन नंबर वन है और कार्बन नंबर टू है, इन दोनों कार्बन पे जो हाइड्रोजन का अरेंजमेंट है वो सेम है। देख लो कैसे, इस कार्बन नंबर वन पे एक हाइड्रोजन एटम ऊपर की तरफ है, लेकिन इस कार्बन नंबर टू पे भी एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है, और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन दे आर पैरेलल टू ईच अदर। अब देख लीजिए, कार्बन नंबर वन पे एक हाइड्रोजन नीचे की तरफ है राइट साइड में, और कार्बन नंबर टू पे भी एक हाइड्रोजन नीचे की तरफ है राइट साइड में, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, दीज आर ऑल्सो पैरेलल टू ईच अदर। अब देख लीजिए, कार्बन नंबर वन पे ये हाइड्रोजन विच इज ऑन लेफ्ट साइड डाउनवर्ड्स, कार्बन नंबर सेकंड पे भी एक हाइड्रोजन है ऑन लेफ्ट साइड डाउनवर्ड्स, और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दे आर पैरेलल टू ईच अदर। कहने का मतलब है, ये जो इथेन है, यहां पे इथेन का जो पहला स्ट्रक्चर मैंने बनाया,
जो स्ट्रक्चर मैंने पहला बनाया स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में तीन हाइड्रोजन है और उनका जो अरेंजमेंट है वही अरेंजमेंट है इन तीन हाइड्रोजन एटम्स का ऑन सेकंड कार्बन एटम। जब एक कार्बन के हाइड्रोजन एटम्स का अरेंजमेंट सेम हो टू द अरेंजमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑन अनदर कार्बन एटम, देन दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज इक्लिप्सिड कन्फॉर्मेशन। दिस इज कॉल्ड एज इक्लिप्सिड कन्फॉर्मेशन, इक्लिप्सिड कन्फॉर्मेशन, इक्लिप्सिड कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन। हम किसे कहते हैं? इथेन का वो स्ट्रक्चर जिसमें एक कार्बन के तीन हाइड्रोजन का अरेंजमेंट वैसा ही हो जैसे दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन का अरेंजमेंट हो। जब दोनों कार्बन के हाइड्रोजन का अरेंजमेंट सेम हो ऐसे इथेन के कंपाउंड स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं इक्लिप्सिड कन्फॉर्मेशन। सो इन केस ऑफ इक्लिप्सिड कन्फॉर्मेशन दोनों कार्बन एटम्स का जो अरे दोनों कार्बन एटम्स के साथ जो हाइड्रोजन लिंक है उन हाइड्रोजन का अरेंजमेंट सेम है। ये हाइड्रोजन ऊपर है ये भी ऊपर है, ये नीचे की तरफ है तो ये भी नीचे की तरफ है, ये लेफ्ट साइड में है तो ये भी लेफ्ट साइड में है, यानी कि दोनों कार्बन पे हाइड्रोजन का अरेंजमेंट जो है वो सेम है। सो इस वाले स्ट्रक्चर इथेन का ये स्ट्रक्चर जिसमें दोनों कार्बन के हाइड्रोजन का अरेंजमेंट सेम है तो इस स्ट्रक्चर का नाम रखेंगे इक्लिप्सिड कन्फॉर्मेशन। अब मैं देख लीजिए, ये एक कार्बन है, मेरा हाथ एक कार्बन है, इसके साथ एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, ये हाथ है बीच में, हाथ को आप कार्बन मानिए, कार्बन, कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन है, तीनों ऊपर की तरफ है। अब ये दूसरा कार्बन है, दूसरा कार्बन, इसके साथ भी तीन हाइड्रोजन है, तीनों ऊपर की तरफ है। अगर मुझे पूछा जाए तीनों ये जो कार्बन है इस कार्बन के हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है और इस कार्बन के हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है, अगर मैं इनको साइड बाय साइड देखूं, अगर मैं इनको साइड बाय साइड देखूं ऐसे, क्या इसके हाइड्रोजन और इसके हाइड्रोजन एक दूसरे को इक्लिप्स नहीं कर रहे? इसके हाइड्रोजन इसके हाइड्रोजन को कवर कर रहे हैं। अब देख रहे होंगे ये और ये हाइड्रोजन एक दो पैरेलल है दोनों, ये और ये हाइड्रोजन पैरेलल है दोनों, ये और ये हाइड्रोजन पैरेलल है दोनों, तो एक कार्बन के तीन हाइड्रोजन ऊपर की तरफ, दूसरे कार्बन के तीन हाइड्रोजन ऊपर की तरफ, और जब ये आपस में कार्बन बॉन्ड बनाएंगे तो ये दोनों कार्बन का जो हाइड्रोजन का अरेंजमेंट है, जो हाइड्रोजन एक कार्बन एक हाथ के उंगलियां दूसरी हाथ की उंगलियां को उंगलियों को इक्लिप्स कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, तो ऐसा जो अरेंजमेंट बनेगा इन फिंगर्स का या हाइड्रोजन एटम्स का दैट इज कॉल्ड एज इक्लिप्सिड कन्फॉर्मेशन। तो ये यहां पे इक्लिप्सिड कन्फॉर्मेशन। अगर मैं यहां से इस कार्बन की तरफ नजर डालूं, ये हाइड्रोजन ऊपर है ये भी ऊपर है, ये नीचे है तो ये भी नीचे है, ये हाइड्रोजन नीचे है तो ये भी हाइड्रोजन नीचे है, तो ऐसे स्ट्रक्चर का नाम क्या रखोगे? इक्लिप्सिड कन्फॉर्मेशन। अब देख लीजिए, अब देख लो क्या करते हैं। ये जो आपका कार्बन नंबर टू है और ये कार्बन नंबर वन है, इनके बीच में कौन सी बॉन्ड है बेटा? सिंगल बॉन्ड। एक कंसेप्ट याद रखना, जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो कार्बन और कार्बन के बीच में जब भी सिंगल बॉन्ड हो, अगर मैं एक कार्बन की पोजीशन को फिक्स करूं दूसरे कार्बन को मैं रोटेट कर सकता हूं। यह चीज याद रखना, व्हेनेवर टू कार्बन एटम्स आर लिंक्ड बाय अ सिंगल बॉन्ड एट दैट टाइम देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ रोटेशन। उस टाइम हम कार्बन एटम को रोटेट कर सकते हैं बाय कीपिंग द पोजीशन ऑफ वन ऑफ द कार्बन फिक्स्ड। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के समय अगर हम एक कार्बन की पोजीशन को फिक्स करें दूसरे कार्बन एटम को हम रोटेट कर सकते हैं। अगर हम इसी कार्बन को फिक्स करें इस वाले कार्बन को हम रोटेट कर सकते हैं, बट दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन टू कार्बन एटम्स आर लिंक्ड बाय अ सिंगल बॉन्ड। ये चीज आपने जाना। सो मैं यहां पे एक चीज कहूंगा, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और जब भी सिंगल बॉन्ड हो हम एक कार्बन की पोजीशन को फिक्स करेंगे और दूसरे कार्बन को हम रोटेट कर सकते हैं। सो रोटेशन इज पॉसिबल,
रोटेशन इज पॉसिबल बिकॉज कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है. जब भी कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, एक कार्बन की पोजिशन को फिक्स करो, दूसरे को आप रोटेट कर सकते हो. अब देखो ये मैं इस कार्बन की पोजिशन को, ये कार्बन है, इस कार्बन की पोजिशन को फिक्स करेंगे और इस वाले कार्बन को हम रोटेट करेंगे. जब मैं कार्बन को रोटेट करूंगा, इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है उनकी पोजीशन भी चेंज हो जाएगी. ये देखो ये कार्बन है, इस कार्बन की पोजीशन फिक्स्ड कर दो और इस कार्बन की पोजीशन हम इसको हम रोटेट करेंगे. लेकिन जब हम कार्बन को रोटेट करेंगे, इसके साथ जो हाइड्रोजन होगा, जो ही आप कार्बन को रोटेट करोगे, हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज हो जाएगी विथ रेस्पेक्ट टू दिस कार्बन. अब देख लो ये हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है, अगर मैं कार्बन को रोटेट करूंगा हाइड्रोजन आपकी तरफ आ गया, फिर से रोटेट करूंगा हाइड्रोजन नीचे की तरफ आ गया. सो जब हम एक कार्बन को रोटेट करेंगे, बाय कीपिंग द पोजीशन ऑफ अदर कार्बन फिक्स्ड, जब कार्बन एक को हम रोटेट करेंगे उस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होंगे उनका पोजिशन या अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा With respect to the hydrogen atoms of another carbon. देख लीजिए मैं समझाता हूं आपको. यहां पे ये eclipsed conformation है. Eclipsed conformation में दोनों carbons के hydrogens का arrangement जो है वो सेम है. लेकिन अब मैं rotation करूंगा, मैं इस carbon को rotate करता हूं, इस वाले carbon को. जब carbon को हम rotate करेंगे by 60 degree angle, हम इस वाले कार्बन को रोटेट करेंगे बाय 60 डिग्री एंगल. बट बेटा जब आप कार्बन को रोटेट करोगे इसके साथ जो हाइड्रोजन होंगे वो भी रोटेट होंगे. अब देख लो, अब जब मैंने इस कार्बन की पोजीशन को फिक्स कर दिया, लेकिन इस कार्बन को रोटेट कर दिया, जब मैं कार्बन को रोटेट करूंगा इसके साथ हाइड्रोजन भी रोटेट हो जाएंगे और हाइड्रोजन का अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंड कार्बन. और जो अरेंजमेंट चेंज होगा हाइड्रोजन का, वहां पे एक नया स्ट्रक्चर बनेगा, नया अरेंजमेंट आएगा हाइड्रोजन का, वो एक नया कंफॉर्मेशन बनेगा जिसका हम कुछ और नाम देंगे. देख लीजिए, व्हेन आई एम गोइंग टू रोटेट कार्बन नंबर वन बाय 60 डिग्री एंगल, आई एम नॉट गोइंग टू रोटेट ओनली द कार्बन एटम. अलोंग विथ कार्बन एटम आई एम ऑल्सो गोइंग टू रोटेट हाइड्रोजन एटम्स. बिकॉज हाइड्रोजन एटम किसके साथ अटैच है? कार्बन के साथ. जब मैं कार्बन को रोटेट करूंगा उसके साथ हाइड्रोजन भी रोटेट हो जाएंगे, तो यहां पे एक नया स्ट्रक्चर बनेगा. देख लीजिए, जब मैंने कार्बन को रोटेट कर दिया, दिस इज कार्बन नंबर वन एंड दिस इज कार्बन नंबर टू. जब मैंने कार्बन को रोटेट कर दिया, ये हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, ये हाइड्रोजन नीचे. देखो क्या होगा, ऊपर वाला हाइड्रोजन नीचे की तरफ आएगा ड्यू टू रोटेशन, और ये जो दोनों दो हाइड्रोजन नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ ड्यू टू रोटेशन ये ऊपर की तरफ चले जाएंगे यहां, और ये हाइड्रोजन यहां आ जाएगा. मैंने इस कार्बन नंबर वन को रोटेशन दे दी. कार्बन नंबर वन को रोटेशन देने की वजह से आपके हाइड्रोजन एटम्स का अरेंजमेंट भी चेंज हो जाएगा. अब जो हाइड्रोजन ऊपर था वो नीचे आ गया, और जो दो हाइड्रोजन नीचे की तरफ थे वो ऊपर की तरफ आ गए. देख लो यहां पे, देख लो ये हाइड्रोजन ऊपर अब नीचे आ गया रोटेशन की वजह से, ये दो हाइड्रोजन नीचे की तरफ अब ऊपर आ गए ड्यू टू रोटेशन. लेकिन हमने रोटेशन किसको दी? कार्बन नंबर वन को. कार्बन नंबर टू की पोजीशन क्या हमने रखी? फिक्स्ड. तो कार्बन नंबर सेकंड पे जो हाइड्रोजन का अरेंजमेंट है वो चेंज नहीं होगा. ये हाइड्रोजन ऊपर तो यहां पर भी ऊपर ही रख दो, ये हाइड्रोजन नीचे तो यहां पर भी नीचे रख दो, और ये हाइड्रोजन नीचे तो यहां पर भी नीचे रख दो. अब चेक करो ये जो इथेन का ये स्ट्रक्चर बना है, ये वाला स्ट्रक्चर C2H6, ये जो इथेन का स्ट्रक्चर है, क्या ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सेम है? नहीं है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन एक ऊपर है, इसमें नीचे है, इसमें दो हाइड्रोजन नीचे है, इसका ऊपर है. तो विथ रेस्पेक्ट टू दिस कार्बन हाइड्रोजन का अरेंजमेंट चेंज हो गया, एक नया स्ट्रक्चर बना. उस नए स्ट्रक्चर का नाम रखेंगे सिटागर्ड कन्फॉर्मेशन. दिस इज कॉल्ड एज सिटागर्ड कन्फॉर्मेशन.
तो हमने इक्लिप्सिड कंफॉर्मेशन के एक कार्बन को रोटेशन दे दी। जब रोटेशन दे दी तो इसका हाइड्रोजन नीचे आ गया, ये दोनों ऊपर चले गए, और यहां पे देखो इस कार्बन के हाइड्रोजन का और इस कार्बन के हाइड्रोजन का अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट है। जब इथेन में दो कार्बन के हाइड्रोजन का अरेंजमेंट डिफरेंट हो, ऐसे स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं स्टैगर्ड कंफॉर्मेशन। ये समझ लो ये दो कार्बन, दोनों कार्बन के हाइड्रोजन ऊपर की तरफ, ये भी ऊपर की तरफ, ये भी ऊपर की तरफ, दिस इज इक्लिप्सिड कंफॉर्मेशन। लेकिन जब हम एक हाथ की पोजिशन को फिक्सड कर रखेंगे, दूसरे हाथ को रोटेट करेंगे, तो इस हाथ को जिसको हमने रोटेट किया, इसकी उंगलियां नीचे आ जाएंगी, तो ये वाला कार्बन जिसको हमने फिक्सड रखा, उसके हाइड्रोजन अपनी जगह पे है। अब देख लो क्या इस कार्बन और इस कार्बन के हाइड्रोजन का अरेंजमेंट सेम है, नहीं है, तो यहां पे कंफॉर्मेशन बदल गई, हाइड्रोजन के अरेंजमेंट बदल गए, तो एक नया कंफॉर्मेशन बना, इसके हाइड्रोजन ऊपर की तरफ, इसके हाइड्रोजन नीचे की तरफ, दोनों कार्बन के हाइड्रोजन का अरेंजमेंट चेंज हो गया, तो ऐसे कंफॉर्मेशन को हम नाम देते हैं स्टैगर्ड कंफॉर्मेशन। सो व्हाट इज स्टैगर्ड कंफॉर्मेशन ऑफ इथेन? इन केस ऑफ स्टैगर्ड कंफॉर्मेशन, द अरेंजमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑन वन कार्बन that is completely different than the arrangement of hydrogen atoms on second carbon. ये देखो यहां पर हाइड्रोजन एक नीचे है, यहां पर हाइड्रोजन ऊपर है, completely opposite conformation. यहां पर दो हाइड्रोजन ऊपर की तरफ, लेकिन यहां पर दो हाइड्रोजन नीचे की तरफ, तो यहां पर कोई भी हाइड्रोजन एक दूसरे को इक्लिप्स नहीं कर रहा, यहां पर कोई भी हाइड्रोजन एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं कर रहा, तो यहां पर सारे हाइड्रोजन इसके और सारे हाइड्रोजन इसके वो कंप्लीटली अपोजिट है एक दूसरे के, दैट इज व्हाई दिस कंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज स्टैगर्ड कंफॉर्मेशन। लेकिन अगर आप स्टैगर्ड कंफॉर्मेशन को इस देखो, आपने इस कार्बन को रोटेट किया क्लॉकवाइज बाय 60 डिग्री एंगल, तो आपने इक्लिप्सिड कंफॉर्मेशन को स्टैगर्ड कंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन अगर आप स्टैगर्ड कंफॉर्मेशन को वापस एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करोगे बाय 60 डिग्री, तो आपका इक्लिप्सिड कंफॉर्मेशन वापस बन जाएगा। तो यह देखना इथेन के कितने कंफॉर्मेशन है, मेन एक तो इक्लिप्सिड कंफॉर्मेशन, दूसरा स्टैगर्ड कंफॉर्मेशन, ये दो एक्सट्रीम्स है, ये एक एक्सट्रीम है, वो दूसरा एक्सट्रीम है, ये एक कंफॉर्मेशन है और ये दूसरा कंफॉर्मेशन है। इस वाले कंफॉर्मेशन में एक कार्बन के हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन, दे वायर इक्लिप्सिंग ईच अदर, दे वायर पैरेलल टू ईच अदर, ये एक एक्सट्रीम है। लेकिन जब आपने 60 डिग्री रोटेशन दे दी, इस कार्बन और इस कार्बन के हाइड्रोजन कंप्लीटली अपोजिट आ गए, तो इसको हम स्टैगर्ड कंफॉर्मेशन कहेंगे, इट इज द लास्ट एक्सट्रीम। अब देख लो अगर ये वाली पोजीशन रिप्रेजेंट करती है इक्लिप्सिड कंफॉर्मेशन, ये वाली रिप्रेजेंट करती है स्टैगर्ड कंफॉर्मेशन, तो मुझे बताइए ये वाली कॉन्फिगरेशन क्या रिप्रेजेंट करेगी, ये वाली कॉन्फिगरेशन क्या रिप्रेजेंट करेगी, ये वाली कॉन्फिगरेशन क्या रिप्रेजेंट करेगी, ये वाली कॉन्फिगरेशन क्या रिप्रेजेंट करेगी। यानी कि एक तो इक्लिप्सिड कंफॉर्मेशन है, दूसरा स्टैगर्ड कंफॉर्मेशन है, इक्लिप्सिड और स्टैगर्ड कंफॉर्मेशन के बीच में जितनी भी कंफॉर्मेशन आएंगी, उन कंफॉर्मेशन को हम नाम देते हैं सिक्यू कंफॉर्मेशन, सिक्यू SKEW, सिक्यू कंफॉर्मेशन। सिक्यू कंफॉर्मेशंस आर ऑल दोज कंफॉर्मेशंस, ऑल दोज अरेंजमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स लिंक्ड टू कार्बन एटम्स व्हिच आर अदर देन इक्लिप्सिड एंड स्टैगर्ड। इन दोनों अरेंजमेंट्स को छोड़ के कार्बन के हाइड्रोजन का जो भी अरेंजमेंट रहेगा, इन दोनों कंफॉर्मेशंस को छोड़ के, उन सारे कंफॉर्मेशंस का नाम पड़ता है सिक्यू कंफॉर्मेशंस, या इनको हम गॉच कंफॉर्मेशंस भी कहते हैं। These are also called as gauge conformations or skew conformations. एक मिनट रुकिएगा बेटा, एक मिनट। So आपने यहां पे देखा कि इथेन जो है, इथेन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इथेन को भी इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन डिफरेंस किसमें है? डिफरेंस लाइज इन द अरेंजमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। यहां पे इसके हाइड्रोजन और इसके हाइड्रोजन
का अरेंजमेंट जो है सेम है, तो इक्लिप्सिड कंफॉर्मेशन बन गया। यहां पे इसके इस कार्बन के हाइड्रोजन्स का और इस कार्बन के हाइड्रोजन्स का अरेंजमेंट जो है अपोजिट है, इट इज कॉल्ड स्टैगर्ड कंफॉर्मेशन। और इन दोनों कंफॉर्मेशन के बीच में जितने भी स्ट्रक्चर्स आएंगे, दोज आर कॉल्ड सिक्यू कंफॉर्मेशन। मैं फिर से समझाता हूं, दिस इज योर, जब एक कार्बन और दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन पैरेलल है, दिस इज कॉल्ड इक्लिप्सिड कंफॉर्मेशन। लेकिन जब एक कार्बन और दूसरे कार्बन का कार्बन के हाइड्रोजन अपोजिट है, अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, तो इसको हम कहेंगे स्टैगर्ड कंफॉर्मेशन। लेकिन अब ऐसा कंफॉर्मेशन है जिसमें हाइड्रोजन न तो पैरेलल होंगे न तो अपोजिट होंगे, ये वाले देख लो, एक कार्बन के हाइड्रोजन ऊपर की तरफ, दूसरे कार्बन की हाइड्रोजन लेफ्ट राइट की तरफ, ये कंफर्मेशन न तो रहेगा इक्लिप्सिड न तो रहेगा स्टैगर्ड, इसको हम कहेंगे सिक्यू कंफर्मेशन। सिक्यू कंफर्मेशन बहुत सारी बनेंगी, लेकिन टू एक्सट्रीम्स आर इक्लिप्सिड एंड स्टैगर्ड। अब देख लो इथेन की कंफॉर्मेशन ऑफ डिस्कस कर रहे हो, तो यहां पे आपने देखा कि इथेन के बहुत सारे कंफॉर्मेशन है, लेकिन जो दो मेन है, वन इज इक्लिप्सिड एंड सेकंड इज स्टैगर्ड। इक्लिप्सिड कंफॉर्मेशन और स्टैगर्ड कंफॉर्मेशन को हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय 60 डिग्री रोटेशन। अब याद रखना, अगर आपने इक्लिप्सिड कंफॉर्मेशन को 60 डिग्री रोटेशन दे दी तो स्टैगर्ड कंफॉर्मेशन बनेगा, लेकिन अगर आपने इसके कार्बन को 10 डिग्री रोटेशन दे दी, वहां पे स्टैगर्ड नहीं बनेगा, वहां पे सिक्यू कंफॉर्मेशन मिलेगा। अगर आपने 20 डिग्री रोटेशन दे दी, वहां पे भी सिक्यू कंफॉर्मेशन मिलेगा। अगर आपने 30, 40, 45, 50 डिग्री रोटेशन दे दी, वहां पे भी सिक्यू कंफॉर्मेशन। देख लो ये इक्लिप्सिड कंफॉर्मेशन है, मैंने थोड़ा रोटेट किया एक कंफर्मेशन, दूसरा फिर रोटेट, फिर रोटेट, फिर रोटेट, फिर रोटेट किया, फिर रोटेट किया, फिर रोटेट किया, अब जाके बना स्टैगर्ड कंफर्मेशन, जबकि इनका अरेंजमेंट अपोजिट है स्टैगर्ड। फिर वापस रोटेशन, फिर वापस, फिर वापस, फिर वापस, फिर वापस, फिर वापस रोटेशन, फिर वापस रोटेशन, अब हम पहुंच गए फिर से इक्लिप्सिड। इक्लिप्सिड और स्टैगर्ड के बीच में इनफाइनाइट कंफर्मेशन बनेंगी, इनफाइनाइट अरेंजमेंट बनेंगे हाइड्रोजन के विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर, तो उन कंफर्मेशन को हम नाम देते हैं सीक्यू कंफॉर्मेशन। तो आपने जाना इन इक्लिप्सिड कंफॉर्मेशन द हाइड्रोजन एटम्स ऑफ वन कार्बन दे आर इक्लिप्सिंग द हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अनदर कार्बन, व्हाइल एज इन केस ऑफ स्टैगर्ड कंफॉर्मेशन द हाइड्रोजन एटम्स ऑफ वन कार्बन दे आर कंप्लीटली अपोजिट और दे आर नॉट इक्लिप्सिंग टू द हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अनदर कार्बन। तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर लिख लिए, इक्लिप्सिड कंफॉर्मेशन और स्टैगर्ड कंफॉर्मेशन, These are called as, ये स्ट्रक्चर जो मैंने लिख लिए, इन दोनों स्ट्रक्चर्स को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, दीज फॉर्म्स आर कॉल्ड सहार्स प्रोजेक्शंस, सहार्स प्रोजेक्शंस, याद रखना सहार्स प्रोजेक्शंस। व्हाट आर सहार्स प्रोजेक्शंस, जब हम इथेन के इक्लिप्सिड फॉर्म को इस फॉर्म में लिखे और इथेन के स्टैगर्ड फॉर्म को इस फॉर्म में लिखे, Both these forms are called as सहार्स projections. अब मैं एक चीज काम करता हूं, इक्लिप्सिड कंफॉर्मेशन को और स्टैगर्ड कंफॉर्मेशन को मैं एक दूसरे फॉर्म में लिखता हूं, आप देख लीजिएगा, यह एक कार्बन है, इसके बदले में लिखूंगा डॉट, यह कार्बन नंबर वन है, इसके बदले लिखा मैंने डॉट, ठीक है, हाइड्रोजन ऊपर की तरफ, दो नीचे की तरफ, एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ, दो हाइड्रोजन नीचे की तरफ, ये देख लो कार्बन नंबर वन है, ये कार्बन नंबर वन, इस कार्बन नंबर वन के बदले मैंने डॉट लिख दिया, इसके साथ ऊपर की तरफ एक हाइड्रोजन मैंने लिख लिया, नीचे की तरफ दो हाइड्रोजन मैंने लिख लिए। अब जो दूसरा कार्बन है, दूसरा कार्बन, इसके बदले में डॉट नहीं लिखूंगा, इसके बदले में सर्कल बनाऊंगा, सर्कल, इसके बदले मैंने सर्कल बना दिया, इसके साथ भी कितने हाइड्रोजन है, एक ऊपर की तरफ, तो एक ऊपर की तरफ लिख लो, एक नीचे की तरफ, तो एक नीचे की तरफ लिख लो, दूसरा भी नीचे की तरफ, तो एक यहां की तरफ लिख लो। ये जो यहां पे स्ट्रक्चर बना है, देख लो, ये जो यहां पे स्ट्रक्चर बना है, ये ब्लैक भी कार्बन है और ये सर्कल भी कार्बन है, दोनों कार्बन पे हाइड्रोजन जो है, सारे हाइड्रोजन दे आर क्लोज टू ईच अदर, इक्लिप्सिंग ईच अदर, दिस इज कॉल्ड एज इक्लिप्सिड कंफॉर्मेशन, इक्लिप्सिड कंफॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड एज इक्लिप्सिड कंफॉर्मेशन। अब मैं इसी फॉर्म में इसको भी लिख रहा हूं, स्टैगर्ड फॉर्म को भी लिखता हूं, स्टैगर्ड फॉर्म का कार्बन नंबर वन,
इसके बदले लिखेंगे डॉट, इसका एक हाइड्रोजन नीचे, दो हाइड्रोजन ऊपर, एक यहां एक यहां। ये मैंने कार्बन नंबर वन को लिख लिया यहां पे, इसके साथ तीन हाइड्रोजन मैंने लिख लिए। ये कार्बन नंबर टू है, इसके बदले सर्कल हम लिखेंगे, सर्कल कार्बन नंबर टू के बदले लिखा मैंने सर्कल, दिस इज कार्बन नंबर टू। इसके साथ एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ, एक हाइड्रोजन नीचे की तरफ, तो यहां नीचे की तरफ आएगा, और तीसरा हाइड्रोजन भी नीचे की तरफ यहां पे। अब देख लो यहां, अगर आप इसमें देखोगे कोई भी हाइड्रोजन जो है वो क्लोज नहीं है, सारे हाइड्रोजन एक दूसरे से बहुत दूर है। जब दूर है हाइड्रोजन तो यहां पे कोई इक्लिप्सिंग नहीं हो रही, हाइड्रोजन पैरेलल नहीं है। देखो यहां, यहां हाइड्रोजन एक कार्बन के और दूसरे कार्बन के पैरेलल है, यहां पे भी दो हाइड्रोजन पैरेलल है, यहां पे भी एक कार्बन और दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन पैरेलल है, तो इसको हम कहेंगे इक्लिप्सिड कंफॉर्मेशन, इक्लिप्सिड कंफॉर्मेशन। अब देखो ये वाला, यहां पे एक कार्बन का हाइड्रोजन ऊपर, दूसरे कार्बन का नीचे, एक कार्बन का ऊपर की तरफ राइट साइड में, दूसरे कार्बन का नीचे की तरफ राइट साइड में, इस कार्बन का ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड में, इस कार्बन का नीचे की तरफ लेफ्ट साइड में, तो हाइड्रोजन इक्लिप्सिंग नहीं कर रहे, हाइड्रोजन बहुत दूर दूर है। दिस इज कॉल्ड एज स्टैगर्ड कंफॉर्मेशन, स्टैगर्ड कंफॉर्मेशन। तो आपने जाना कि स्टैगर्ड कंफॉर्मेशन में हाइड्रोजन का अरेंजमेंट बहुत, हाइड्रोजन का अरेंजमेंट अपोजिट होता है, एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, लेकिन इक्लिप्सिड कंफॉर्मेशन में एक कार्बन और दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन बहुत क्लोज होते हैं। अब देख लो, ये भी इथेन है, ये भी इथेन है। अगर आपसे पूछा जाए विच वन ऑफ दीज विल बी मोर सुटेबल, ऑब्वियसली यहां पे हाइड्रोजन एटम्स दूर दूर है, जब हाइड्रोजन एटम्स दूर दूर है तो यहां पे रिपल्शन कम होगी, जब रिपल्शन कम होगी तो ये स्टेबल होगा, दिस विल बी स्टेबल। और यहां पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन नजदीक है, बॉन्ड पेयर, यहां पे भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन नजदीक, बॉन्ड पेयर नजदीक है, यहां पे भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन नजदीक है, जब हाइड्रोजन नजदीक है सारे तो यहां पे क्या होगा, रिपल्शन ज्यादा होगी, जब रिपल्शन ज्यादा होगी तो इट विल बी अनस्टेबल। तो याद रखना इथेन की जितनी भी कन्फॉर्मेशन है, देखो स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन, इक्लिप्सिड कन्फॉर्मेशन और सीक्यू कन्फॉर्मेशन, उन सारी कन्फॉर्मेशन में स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन बहुत स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, क्योंकि यहां हाइड्रोजन एटम्स दूर दूर है तो बॉन्ड पेयर्स दूर दूर है, जब बॉन्ड पेयर्स दूर दूर होंगे तो रिपल्शन कम होगी, जब रिपल्शन कम होगी तो मॉलिक्यूल स्टेबल बनेगा। सो इथेन की स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू इक्लिप्सिड कन्फॉर्मेशन। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए स्टैगर्ड, सीक्यू और इक्लिप्सिड, इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, स्टैगर्ड, दूसरे नंबर पर कौन आएगा, सीक्यू, क्योंकि इक्लिप्सिड जो ना इक्लिप्सिड, यहां पे हाइड्रोजन कंप्लीटली एक दूसरे के अपोजिट, सॉरी एक दूसरे के बिहाइंड होते हैं, पैरेलल होते हैं, क्लोज होते हैं, इक्लिप्सिड में हमेशा रिपल्शन ज्यादा होगी तो हमेशा ये हाईली अनस्टेबल होगा। लेकिन सीक्यू जो है ना, सीक्यू कंफॉर्मेशन में इक्लिप्सिड कंफॉर्मेशन नहीं होती, हाइड्रोजन एटम्स थोड़ा दूर होते हैं लेकिन इतना दूर नहीं होते जितने स्टैगर्ड में होते हैं। तो कहने का मतलब है सीक्यू कन्फॉर्मेशन में रिपल्शन कम होती है एज कंपेयर टू इक्लिप्सिड कन्फॉर्मेशन। तो सीक्यू कन्फॉर्मेशन इससे भी स्टेबल होगा, लेकिन सीक्यू कन्फॉर्मेशन इससे अनस्टेबल होगा, यह चीज याद रखना। स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन दैट इज मोर स्टेबल देन सीक्यू कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन, एंड सीक्यू कन्फॉर्मेशन आर मोर स्टेबल than eclipsed conformation. Why eclipsed conformation is more unstable? क्योंकि यहां पे एक कार्बन और दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन क्लोज होते हैं, they are eclipsing each other. यहां पे repulsion ज्यादा होगी, उसी की वजह से यह सबसे ज्यादा unstable होता है। और स्टैगर्ड फॉर्म में हाइड्रोजन दूर दूर होते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट, रिपल्शन कम होगी और रिपल्शन कम होने की वजह से सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। और सीक्यू कन्फॉर्मेशन में जो है उसमें हाइड्रोजन का अरेंजमेंट इंटरमीडिएट होता है इन बिटवीन इक्लिप्सिड एंड स्टैगर्ड, इसलिए उनकी स्टेबिलिटी भी इंटरमीडिएट ही होगी। एक चीज समझो, स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन स्टेबल है, जब स्टेबल है तो एनर्जी कम होगी, इट विल हैव लेस एनर्जी, it will have less energy. Or eclipsed conformation that is unstable, jab ye unstable hai it will be having high energy,
अब देख लो बेटा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इक्लिप्सिड कंफॉर्मेशन अनस्टेबल होने की वजह से इसकी एनर्जी ज्यादा होगी और स्टैगर्ड कंफॉर्मेशन स्टेबल होने की वजह से इसकी एनर्जी कम होगी। अब जो इक्लिप्सिड है और स्टैगर्ड कंफॉर्मेशन है, इन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है, एनर्जी डिफरेंस, इसका एनर्जी हाई है इक्लिप्सिड का और स्टैगर्ड का एनर्जी कम है, इन दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस है वो देखा गया है दैट इज 12.4 किलो जूल पर मोल। ये चीज याद रखना, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इक्लिप्सिड कंफॉर्मेशन की एनर्जी ज्यादा होती है, स्टैगर्ड की एनर्जी कम होती है, इनका जो एनर्जी डिफरेंस है वो कितना होता है, दैट इज 12.4 किलो जूल। अब याद रखना दिस एनर्जी डिफरेंस जो है ना ये बहुत कम है, लेस एनर्जी डिफरेंस 12.4, इट इज नॉट लार्ज एनर्जी डिफरेंस, इट इज वेरी लेस एनर्जी डिफरेंस। दैट इज व्हाई अगर स्टैगर्ड कंफॉर्मेशन इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, स्टैगर्ड कंफॉर्मेशन इसकी एनर्जी कम होती है, अगर स्टैगर्ड कंफॉर्मेशन इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो ये इक्लिप्सिड कंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होगा, और अगर इक्लिप्सिड कंफॉर्मेशन इतनी एनर्जी लॉस करेगा तो ये स्टैगर्ड कंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड ऑल दिस हैपन्स एट रूम टेम्परेचर, याद रखना बेटा रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, इक्लिप्सिड कंफॉर्मेशन इज कन्वर्टेड इंटू स्टैगर्ड एंड स्टैगर्ड इज कन्वर्टेड इंटू इक्लिप्सिड। क्यों होता है ऐसा रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो ज्यादा नहीं है, इसलिए एक स्टैगर्ड और इक्लिप्सिड कंफॉर्मेशन जो है आपस में इंटर कन्वर्टेबल होती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए इथेन ज्यादा किस फॉर्म में पसंद करेगा एग्जिस्ट होना, दैट इज स्टैगर्ड फॉर्म, क्योंकि इसी की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। सो द कन्वर्शन ऑफ इक्लिप्सिड कन्फॉर्मेशन इनटू स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन दैट विल बी फास्ट, बट द कन्वर्शन ऑफ स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन इनटू इक्लिप्सिड वन दैट विल बी स्लो। व्हाई? बिकॉज दिस इज स्टेबल एंड दिस इज अनस्टेबल। सो इसके साथ ही हमने कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन का जो लेक्चर है वो कंप्लीट किया, एंड टूडेज लेक्चर इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ट्राई टू नोट दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी मैंने इस लेक्चर में आपको कहे। इंशाल्लाह आ जाते हैं एक नए लेक्चर के साथ, टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड खुदा हाफिज़।